मैं आज आपको इंडी डॉग्स के बारे में, हमारे हिंदुस्तानी जो कुत्ते होते हैं जो सड़कों पर मिलते हैं, जो आपकी बाइक के पीछे नहीं भागते हैं और आपके गाड़ियों के चक्कों पर सुसु करते हैं जिससे आपको बड़ी आपत्ति हो जाती है मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। वो हिंदुस्तानी कुत्ता ना भी हो ना, तो कोई भी ऐसा पेडिग्री डॉग भी होता है ना, वो गाड़ी का चक्का देख के सुसु करता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको मजा आता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। गोल गोल का जाता था, अब रुक गया, अब उसने सुसु कर दिया। ये उसकी टेरिटरी भी होती है, ये देखो इनको कोई अक्ल है, दिख रहा है कहीं से अक्ल इनकी, ये देखो ये मेरे पास कई सालों से कई कुत्ते रहे हैं, पेडिग्री भी रहे हैं, पोमेरेनियन से लेके जर्मन शेफर्ड, मैं जर्मन शेफर्ड की बात कर रही हूँ तो मैं एसोसिएशन नहीं कर रही हूँ, उससे लेकर के मेरे पास इंडी डॉग्स, मेरा ये जिसकी पीछे की दो टांगें खराब हैं पर ये इस पे दौड़ सकता है, जंप कर सकता है, इसलिए मेरा ये जो सोफा है ना इसके ऊपर से छलांग मारता है। 2017 की 2 फरवरी को मिला था ये, जय जी गौर, मुझे इनके भाई के बिल्डिंग में था वो, तब इसकी हालत जैसी थी और अब आप जैसे इसको देख रहे हैं ना विश्वास नहीं करेंगे। ये देखो देखो, इसको चित कर दिया इस लड़की ने, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये लड़का हार चुका है। ये वो कुत्ता है जो इस घर में दोनों टांगे घसीटता हुआ आया था और 48 घंटे तक उस आगे के दरवाजे पर बैठा हुआ था, हिला भी नहीं, वहीं उसको खाना भी देती थी मैं, वहीं पड़ा रहा। 48 घंटे के बाद मैं पैनिक हो गई कि इसने सुसु पॉटी नहीं किया, अब क्या होगा, तो इसे उठाकर मैं अपने बाथरूम में ले गई, इसे नहलाया, उसके बाद बिस्तर बिछा करके दरवाजे के पास रखा क्योंकि वो सेफ फील कर रहा था उस जगह में। उसके बाद काया पलट हुई, मैं जिस गार्डन में इसे ले जाती हूँ वहाँ किसी ने इसे दौड़ते हुए देखा और कहा कि अरे वाह, कभी पता नहीं चलेगा कि ये इस तरह से पूरी तरह से जख्मी था। उन्होंने मुझे कहा कि ये आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री है ये, तो मैंने उनसे कहा भिंजी पटेल, मेरी विक्ट्री नहीं है ये इसके अंदर का लड़ाकूपना है क्योंकि ये खुद ठीक होना चाहता था। इससे पहले एक कुत्ता था जो एक आँख से खड़ा था, वो मुझे मिला था तो कहाँ आँख ऐसे लटक रही थी और ये वाला उसका जो ये है शोल्डर उसके रिब केज के अंदर घुस गया था, साल भर लगा उसे ठीक करने में, मुझे बच्चा था जब मिला 5 महीने का। उससे पहले जो मेरे पास थी फीमेल थी, उसका चेहरा ही नहीं था जब वो मुझे मिली, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई थी तो उसको माचिस की तीलियों टूथ पिक से उसका चेहरा बनाया गया, उसके डॉक्टर ने बनाया, उसका चेहरा ऐसे था ऐसी थी जिंदगी भर, लेकिन वो सांस ले पाती थी, उसकी स्मेल यानी सूंघने की शक्ति सारी वापस आ गई थी। वो आई मेरे घर में, मेरे बगल में सोया करती थी, ऐसे मैं उसके कीड़े निकाला करती थी छोटी छोटी थी, तो क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसको नहलाया नहीं जा सकता था क्योंकि चेहरा नहीं था। वो 14.5 साल जी, साल में 2 बार डॉक्टर के पास जाते थे, एक बार चेकअप के लिए, एक बार टीकों के लिए। अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप गंदगी में इन्हें रखें तो उनको शायद स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे अभी बारिश है तो इसको किसी तरह का एक थोड़ा सा डैंड्रफ किस्म का हो गया, ये देखें आप, इट्स नॉट अ बिग, बहुत बड़ी बात नहीं, कीड़े तो लगते रहेंगे बारिश में, झाड़ी में जाएंगे घास में जाएंगे तो कीड़े चढ़ ही जाएंगे, तो हमारा काम है इनको साफ करना। मुझे एक दिन लगा इसे ट्रेन करने के लिए कि अंदर रखे हुए न्यूज़पेपर पे आपको पॉटी सुसु करनी है, एक दिन बस, और ही इज़ वेरी क्लेवर डॉग, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है मैं बता नहीं सकती। खाने पीने में थोड़ा सा वो है, मतलब वेरी फिगर कॉन्शियस है, उसको लगा मेरी मां है मुझे नहीं मोटा होना चाहिए, मुझे दुबला पतला एकदम फिट रहना चाहिए।